बिचौलियों को हटाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान को लेकर मास्टर कार्ड के जरिए युवाओं ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत घंटाघर बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, गल्ला मंडी, राप्ती कॉम्प्लेक्स, बालोटिया मार्केट और इंदिरा प्रतिमा में युवा कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अभियान में भारी संख्या में व्यापारीगण और समाज के विभिन्न तबके के लोग जुड़े। नए अंदाज में प्रस्तुत किए गए नुक्कड़ नाटक के दौरान जब कलाकारों ने डिजिटल शिक्षा और डिजिटल भुगतान के बारे में लोगों को बताया तो वहां मौजूद व्यापारियों के साथ आम लोगों में भी डिजिटल लेन देन के बारे में जागरूकता आई। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कार्यक्रम आयोजक शिवम सिंह और गोरखपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा। भाइयों द्वारा जरूरी है क्योंकि ये जो नाटक है आप सभी व्यापारी भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी नाटक है क्योंकि ये व्यापारी भाइयों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम है। बहुत सारी जानकारी लेकर इस नाटक के माध्यम से हम सभी साथी कलाकार आए हैं। और क्या अच्छा तो नाटक शुरू करें और क्या चौपाल लग गई है और बीच में खड़े हैं बच्चा जी। आइए सुनते हैं आज के क्या है उनका किस्सा जी। अरे संतोष, ओ संतोष ये बच्चा जी इधर हो। अरे इधर है। अरे बेटा संतोष जी, कल तो तुम बड़ा बवाल काट रहे थे और बातों ही बातों में बड़ी बड़ी बातें छाड़ रहे थे, क्या हुआ बता मुझे, ताकि निकले कौनो हल तो सुझा सके तुझे। अच्छा ना बच्चा जी, बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? घर से ज्यादा नकदी लेकर चला था, रास्ते में दुर्घटना प्रबल घट गई। अच्छा, गया था जो सामान खरीदने, जेब भैया उससे पहले ही कट गई। जेब कट गई जी भैया, और जेब ऐसी कटी कि किसी को पता न चला। जेब ऐसी कटी कि किसी को पता न चला, और जिसने जेब काटी भगवान न करे कभी उसका। अरे ये तो बड़ा गलत हुआ। अरे तो बच्चा इस दुर्घटना से एक सीख लो, पैसे के पहरेदार का पता नहीं है तो पता करो। क्या बात करते हो बच्चा जी, ये तो होता रहता है छोटा मोटा बच्चा जी। हाँ, पैसे का पहरेदार। हाँ, माने काट ये कौन हुआ भला, सरकार क्या इस खातिर काट देगी? अरे मेरे संतोष, बोलने से पहले सुन जरा और सुनने से पहले समझ जरा। तूने कहा कि क्या दे सरकार देगी कार्ड? अरे बुद्धू तूने कार्ड तो सोच लिया, लेकिन क्या अपने बैंक से लिया है कार्ड? क्योंकि पैसों के मामले में कार्ड ही कार्ड है। कार्ड? हाँ सुना तो है कार्ड के बारे में, लेकिन सोच कर लगता है अगर मगर। अच्छा सच कहूँ ना भैया? हाँ, इसको इस्तेमाल करने से लगता है मुझे बड़ा ही डर। ये देख लो चाचा, घर में बनेंगे बब्बर शेर और कार्ड के इस्तेमाल में लग रहा है डर। अरे कहाँ गई तुम्हारी वो जवानी? चल सुन एक नानी की कहानी। नानी की कहानी? हाँ, एक थी नानी, प्यारी सी नानी। हाँ। बातों से बोली मगर दिमाग से थी बड़ी सयानी, और नानी की थी इतनी सी ख्वाहिश, अपनी नातिन को देना चाहती थी एक बड़ा सा सरप्राइज। तो नानी ने कुछ अकेले ही करने की जुगल लगाई, बाजार आई, विधोपन आई। अभी विधोपन आई का है? पढ़े लिखे हो कि नहीं? अरे 16 दिन 8 पढ़े। अच्छा, अरे ओपन आई का मतलब खुली आंखों से होकर खबरदार, आप समझे बरखुरदार? हाँ, तो नानी पहुंची गहनों की दुकान पे। किसकी दुकान पे? गहनों की दुकान पे। और पसंद की एक सोने की अंगूठी। जौहरी बोला, आइए देखते हैं जौहरी क्या बोला। हमारे दुकान पधारी। अरे नानी बताओ तबे ठीक है? बहुत दिन के बाद में आपके दर्शन हो रहे हैं। अरे बेटवा का बताए, बनारस घूमने गए रहे। अच्छा अच्छा। अरे वो पानी कतई ही सूट ना करा हम का। अच्छा, खांसी आने लगी का? अरे नानी का बताई, लैटरीन आने लगी। तो दवा पानी ले लिया ना? अरे अच्छी जगह लिए कोनो फायदा ना बाबा। अच्छा अच्छा, तो काढ़ा पी ले नानी। अच्छा बेटवा ठीक पी ले काढ़ा। अच्छा कैसे आना हुआ मेरी दुकान पे? अरे बेटवा नातिन का ब्याह है। हाँ हाँ, अब बेटवा आयो
दावत वावत खा रहा है। अच्छा ठीक, बिल्कुल आएंगे नानी। अंगूठी दिखाओ तुम, बहुत खूबसूरत। अच्छा नातिन के लिए अंगूठी लेनी है। अच्छा ठीक है, दिखा रहे। हमका ना गिफ्ट देना है। अच्छा गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है, बिल्कुल दिखाएंगे नानी। अच्छी सी दिखा, बिल्कुल अच्छी सी, एकदम से अभी एक ही नजर में आपको पसंद आ जाएगी अंगूठी। ये लीजिए नानी, पसंद कर लीजिए। अच्छा अच्छा, इसका तुम दाम बताओ। नानी इसके हुए दाम एकदम 15,000, और हम ठहरे चोखा जोहरी और जेवर रखता हूँ सदाबहार। अरे कुछ कम कर ले। नहीं नानी, अब जानती हो सोना इतना महंगा हो गया है। अरे बेटा बात तो तेरी ठीक है, दाम में बिल्कुल ठीक है। अब बेटा मशीन ला और अंगूठी का दाम ले जा। मशीन? कौन मशीन नानी? कौन मशीन? अरे सुनने वाली मशीन है हमारे पास। यू जो कारड है वो वाली मशीन है तुम्हारे पास? जी हाँ, जौहरी की तो आंखें जैसे बाहर हो गई और नानी का कॉन्फिडेंस देख उसकी अकड़ कहीं खो गई। बिना कुछ बोले उसने मशीन मंगवाई, जिसे देख नानी मुस्काई। बेटा लगता है तो इसको ज्यादा नहीं चलाता। अरे यही तो है अपना डिजिटल, वही खाता। हाँ बेटा बिल्कुल सही, नानी ने कार्ड चलाया, नानी ने कार्ड चलाया और सबसे छिपाकर अपना पिन दबाया, पर्ची निकली और दाम छप कर आया। और नानी लगी जाने जौहरी ने जानना चाहा घर छोड़ने के बहाने। अरे नानी। हाँ बेटा। अरे रास्ते में मिलेंगे चोर उचक्के और मेरे आदमी भेजाएंगे घर तक के। अरे बेटा मैं कौन सा अंगूठी लेकर जा रही हूँ, उसको तो यही छोड़कर जा रही हूँ। तू को सुंदर से डिब्बे में भिजवा देना, नकदी तो है नहीं, अब बस यू कार्ड ही है। बिना पिन के ये भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। और बेटा भटकने का भी कौनो डर नहीं, ला अभी लिखती हूँ पूरा बता, और पूछो तो बेटा फोन पर बतला। ठीक है नानी, और ये इसमें पता लिख दीजिए। नानी ने लिखते लिखते हल्की नजरें दबाई और हैरान जौहरी को देखते हुए बोली, अरे बेटा। हाँ नानी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तेरा दिया हुआ बिल, यू कार्ड से निकला हुआ पर्ची भी तो है अपने पास। ठीक बेटा, कल सुंदर से डिब्बे में भिजवा देना। ठीक बेटा, ठीक चलते बेटा। अरे नानी जुकाम बहुत तेज से है। अच्छा तुम्हें पानी सूट नहीं कर रहा? नहीं, गोरखपुर का पानी नहीं सूट कर रहा है। तो बेटा दवाई वाई ले लो अच्छे से। ठीक है नानी। अच्छा राम राम नानी। राम राम। हाँ तो भैया ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अरे बेटा संतोष, संतोष ये बच्चा जी कहाँ सो जाते हो, कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो बेटा संतोष ना रख दिल में संतोष, अब नहीं रखेंगे। फट से फौरन से चला गाड़ी, बजा हॉर्न से, जा बैंक ले लिया अपना कार्ड। अरे तुझे भी मिल जाएगा पैसों का कार्ड। बस एक काम सभी को है करना, इसका पिन किसी के सामने नहीं है भरना, और एटीएम में, दुकान में, और भगवान ना भेजे किसी को, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अस्पताल में, हर जगह चलता है ये कार्ड, भोपाल हो या नैनीताल में, और राय के रायपुर में, कान के कानपुर में, हर हर महादेव की काशी में, और रानी लक्ष्मी बाई की झांसी में। हाँ हर जगह चलता है ये कार्ड, तो समझ गए ना? समझ गए। अब जाओ बैंक, अपना मास्टर कार्ड मतलब एटीएम कार्ड लेके आओ। बिल्कुल भैया ले आओ। समझ में आ गया? समझ। अब जल्दी जाओ, ठीक चल। मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं आयोजक हूँ नुक्कड़ नाटक सभा का। मास्टर कार्ड के तरफ से आयोजित यह नुक्कड़ नाटक, जिसे प्रमोट करने के माध्यम, मतलब प्रमोट करने के लिए, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए एक तरीके से आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से हम सभी व्यापारियों को ये कहना चाहते हैं कि वो जो है डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और साथ ही साथ अपने जान माल को सुरक्षित रखें। वो ये पेमेंट अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो एक तरीके से उनका पैसा भी बचेगा, जान भी बचेगा, साथ ही साथ एक तरीके से डिजिटल इंडिया को कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे। इस वजह से हम व्यापारियों में जागरूकता फैला रहे हैं कि वो मास्टर कार्ड का उपयोग करें और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया को प्रमोट करें और इंडिया को एक बेहतर दिशा में ले चलें। धन्यवाद। संजय सिंघानी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोरखपुर। इससे संदेश बहुत बढ़िया जाएगा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम किया जा रहा है और जनता में प्रचार किया जा रहा है, इससे लोग बैंकों की तरफ रुझान बढ़ेगा।